400 साल पुरानी पेंटिंग है, 400 साल पुराना कलर है ये, और जितनी बार जहाँ पे जिन लोगों ने टच किया है उतनी शाइनिंग बढ़ी है इसकी। 300 साल पुराना रॉयल रिक्शा है जो आमेर महल के अंदर है, गर्मियों सर्दी के अंदर वो निवास स्थान था रानियों के लिए राजाओं के लिए। ये जो हरा कलर है ये मेथी धनिया से बनाया गया है, पीला कलर है जो हल्दी से नींबू के छिलके से बनाते हैं, नेचुरल है सारे, नेचुरल कलर है ये सारे। और आपके सामने 400 साल पुराना लेकिन आज भी वैसे का वैसा है। हाँ देखिए, ये गणेश पोल गेट है, आमेर महल का जो प्रवेश द्वार है दीवाने आम के बाद में अंदर जाते हैं तो गणेश पोल गेट के अंदर होके अंदर जाते हैं। गणेश पोल गेट ऊपर गणेश की प्रतिमा है, गणेश की पेंटिंग है, इसको गणेश पोल बोलते हैं। और बहुत सुंदर डिजाइन है, देखिए ये जो कलर है ये आमेर के कारीगरों ने नेचुरल कलर बनाया था उस समय, जो फूलों से पत्तियों से सब्जियों से कलर बनाते थे। इसकी लाइफ लंबी होती थी, ये ऑर्गेनिक कलर होता है, इसकी लाइफ भी लंबी होती है, ये स्किन के सूटेबल होता है क्योंकि आजकल केमिकल कलर यूज करें, केमिकल मोस्टली स्किन एलर्जी करता है और लाइफ भी कम होती है, एक दो बार वॉश करने के बाद वो कलर निकल जाता है। ये कपड़ों के ऊपर भी बनाते हैं, टाई एंड डाई जो कपड़े होते हैं जयपुर से या राजस्थान से या इंडिया से वर्ल्ड से लोग यहाँ पे आते हैं आमेर के आर्ट को जानने के लिए। यहाँ के कारीगर आज भी है जो टाई एंड डाई बनाते हैं या नेचुरल कलर बनाते हैं। तो उसका मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको, देखिए कितनी लॉन्ग लाइफ होती है। ये जो प्लास्टर के अंदर ये जो कलर है, ये जो हरा कलर है ये मेथी धनिया से बनाया गया है, पीला कलर है जो हल्दी से नींबू के छिलके से बनाते हैं, नेचुरल है सारे, नेचुरल कलर है ये सारे। और ये प्लास्टर के अंदर जो प्लास्टर है राइस का, वो प्लास्टर के अंदर ही मिक्स है। आप इसको जितनी बार टच करेंगे, देखिए जो आप ये चीज नोट करेंगे, जो जहाँ पे जितनी बार टच हुआ है वहाँ पे शाइनिंग ज्यादा है, जो टच नहीं हुआ वहाँ पे शाइनिंग नहीं है। यानी नेचुरल कलर की खासियत होती है कि जितनी बार उसको आप वॉश करेंगे, जितने बार उसको धोएंगे तो उसके कलर और शाइनिंग बढ़ती जाएगी। लेकिन केमिकल कलर में अपोजिट होता है, जितनी बार वॉश करेंगे तो धीरे धीरे उसका केमिकल जो कलर है वो धीरे धीरे निकलता हुआ चला जाएगा। तो होने में थोड़ा महंगा पड़ता है ये केमिकल कलर से, लेकिन इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है और लंबा टिकाऊ होता है। ये आपके सामने उदाहरण देखिए, 400 साल पुराना ये प्लास्टर, ये महल 400 साल पुरानी पेंटिंग है, 400 साल पुराना कलर है ये, और जितनी बार जहाँ पे जिन लोगों ने टच किया है उतनी शाइनिंग बढ़ी है इसकी। हाँ देखिए, ये जो जगह है ये भी महल था, गर्मियों सर्दी के अंदर वो निवास स्थान था रानियों के लिए राजाओं के लिए। और बारिश के अंदर जब बारिश होती थी तो पूरी छत का पानी अंदर आता था झरने की तरह वहाँ से, और इसे गार्डन में जाता था तो गार्डन में भी सप्लाई होता था पानी। और ये केसर डिजाइन, केसर क्यारी बना रखी है, यहाँ पे पर्शियन डिजाइन पे कारपेट है और यहाँ पे केसर लगती थी, केसर की खुशबू पूरे महल के अंदर महकती थी। वो पानी कैसे यहाँ पे झरने की तरह बह के आता था, कैसे उनको फील होता था कि हम झरने के किनारे बैठे, वो बताऊंगा आगे में। लेकिन उससे पहले एक चीज बताऊंगा, ये जो रिक्शा है कांच के अंदर, ये ओरिजिनल है, लगभग 300 साल पुराना है ये। और ये रानियों के लिए इसको रॉयल रिक्शा बोलते हैं। रानियां जब काफी गहने पहनती थी फेस्टिवल टाइम में, काफी हैवी ड्रेसेस पहनती थी जो चांदी और सोने की जरी का काम जिन पे होता था, तो वो कंफर्टेबली हैवी ड्रेसेस, हैवी गहने पहन के लंबे पैर करके इस पे कंफर्टेबली बैठती थी। और ये महलों के किसी भी छोर के अंदर जाने के लिए रैंप बना रखी है, जहाँ पे चार दासियां दो आगे से पकड़ के खींचती थी, दो से पीछे धक्का दे जाती थी और पूरे महल में रानी को इस तरह के लेके जाती। ये 300 साल पुराना रॉयल रिक्शा है जो आमेर महल के अंदर है। वो अंदर जाने के बाद देखिए, ये आपको लग रहा है पेंटिंग जो है ये गोल्ड की पेंटिंग है, हल्के आपको ये डल कलर लग रहा है, लेकिन ये गोल्ड का कलर जो येलो वाला है, अंदर आप जाओगे तो रिफ्लेक्स ही चमकता है। रात में जब दीपक की रोशनी होती थी चारों तरफ, देखिए चारों तरफ यहाँ पे चार स्टैंड वाले दीपक होते थे जिनको पील्स वो बोलते हैं, लंबे दीपक होते थे, दीपक जलते थे। और इसकी डिजाइन ऐसी है कि वो रिफ्लेक्स यहाँ से टकरा के सीधा ऊपर वाली पेंटिंग को टच होता था चारों तरफ से, चारों तरफ इस तरह से। तो ये जो बीच वाली पेंटिंग है, जो बीच वाला कलर है, जो गोल्ड का कलर है, येलो वाला जो नेचुरल कलर है और अलग अलग कलर के, ये शाइनिंग मारता है। वहां से आपको कलर शाइनिंग नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप इधर आएंगे क्योंकि भी सनलाइट है, सन का रिफ्लेक्स इसके ऊपर आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे आपको ये कलर, ये देखिए शाइनिंग, ये गोल्ड चमक रहा है बिल्कुल। यानी यहाँ पे जब रात को दीपक जलाए जाते थे पील सोत के ऊपर, स्टैंड वाले दीपक, कॉपर के पीतल के लंबे स्टैंड वाले दीपक होते हैं उनको पील सोत बोलते, वो जलाते थे, इसके डिजाइन इस तरह की रिफ्लेक्स सीधा ऊपर आए तो रात को ही चमकता था ये डिजाइन, ये कलर, ये सोने की पेंटिंग चमकती थी। और ये 400 साल पुराना प्लास्टर देखिए आज भी वैसे का वैसा ही है। ये सीसीएल पाउडर से मिक्स है चूने में, इसकी लाइफ लंबी होती है, वाटरप्रूफ होता है और आपके सामने 400 साल पुराना लेकिन आज भी वैसे का वैसा है।